नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब बेहतर होंगे, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे और लाइफ को नए नज़रिए से, नए तरीके से जीने की कोशिश देख रहे होंगे या उसे फॉलो भी कर रहे होंगे। आपका मेरे चैनल में स्वागत है एंड अगर आप नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज हम आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग्स जानेंगे कि उनकी करेंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, वो क्या सोच रहे हैं। सो वीडियो तक पहुँचे हों, अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा हो और अगर आपको अट्रैक्ट किया हो तो इसे कमेंट और क्लेम ज़रूर करिएगा। हम आपकी रिलेशनशिप की करंट सिचुएशंस को देख लेते हैं। इस वक्त आपकी रिलेशनशिप की करंट सिचुएशंस क्या है, चलिए जान लेते हैं आपकी रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन। ना जस्ट कि आपके पार्टनर के साथ आपकी अनबन हुई है किसी बात को लेकर, आपके पार्टनर और आपके बीच झगड़े हुए हैं, ये फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, या आपके पार्टनर ने ऐसा डिसीजन लिया है जो आपके रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था और जो आपको नामंजूर था। ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अपनी फैमिली ईगो मैटर्स की वजह से आपसे लड़ सकते हैं या आपके कुछ फैमिली मैटर्स थे जिसकी वजह से आपका दिमाग खराब था। जो भी था, इस रिलेशनशिप में इस वक्त झगड़े के ऑप्शन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। यह है आपकी करेंट सिचुएशन एंड बॉटम अपडेट में है सरेंडर, यानी कहीं ना कहीं आपके लिए है कि अभी आपने गॉड के ऊपर सब छोड़ के रखा हुआ है, आप भी हारे हारे लग रहे हो इस रिलेशनशिप में। नाउ जस्ट हम देख लेने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर करेंटली क्या सोच रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर करेंटली क्या सोच रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर करेंटली क्या सोच रहे हैं। ओके, आपके पार्टनर हो तो कहीं ना कहीं उनका थिंक कीजिए, याद कीजिए, उनको मन में विजुलाइज कीजिए। हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर करेंटली क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। यूनिवर्स बताएं मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर करेंटली क्या सोच रहे हैं उनके बारे में। कमिटमेंट, यस, आपके पार्टनर कमिटमेंट देने वाले हैं आपको। अगेन इस रिलेशनशिप में नई शुरुआत करेंगे, ठीक है। आपके पार्टनर 6 डेज 6 आवर्स में आपके पास वापस आएंगे, बहुतों के लिए 6 दिन भी हो सकते हैं, ठीक है, और सॉरी 6 मिनट भी हो सकते हैं ऑफकोर्स, क्योंकि यहाँ पर वॉन्ट्स के कार्ड हैं और ये आता है कमिटमेंट का कार्ड। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर स्ट्रांगली आपके पास वापस आने वाले हैं, ये वो सोच रहे हैं और वो बहुत जल्दी ऐसा करेंगे भी, ठीक है। बॉटम अपडेट में अभी के एनर्जी में यस, इस रिश्ते में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ पूरी दुनिया देखते हैं, ठीक है। बहुत जल्दी आपके पार्टनर आपके साथ आगे बढ़ेंगे, आप मूव ऑन की पोजीशन में नजर आ रहे हो। डोंट वरी, थोड़ा सा सब्र रखो, ठीक है, मूव ऑन की पोजीशन में मत जाओ या फिर आप ऐसे ही खुश हो अपनी लाइफ में, ठीक है। गॉड के ऊपर सब कुछ छोड़ देना बेहतर होगा इस रिलेशनशिप में। अभी आपके पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप वापस रखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, ठीक है। ओके, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा ये भी देख लेते हैं, ठीक है। अभी तो आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में बढ़ा जाए, इसे बढ़ाया जाए, बट फ्यूचर क्या होगा हम कोई नहीं जानता, चलिए देख लेते हैं फ्यूचर क्या होगा। ओके, सो अपने पार्टनर के बारे में एक बार और थिंक कीजिए और जैसा भी रिलेशनशिप आप चाहते हैं आप डिज़ायर भी कर सकते हैं, मन में विजुलाइज भी कर सकते हैं। देख लेते हैं कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है। ओ माय गॉड, द लवर्स, बाप रे बाप, ये रिलेशनशिप सोलमेट कनेक्शन है और ये कई जन्मों से साथ में हो यार। आप लोग हर जन्म में मिलते हो और आप लोग प्यार हो एक दूसरे के, कभी बिछोड़ोगे नहीं, कभी नहीं होगा आप लोगों में बिछो, रिलेशनशिप बनेगा, प्यार बनेगा, ईश्वर खुद उसे खींच कर लेकर आएंगे। ऐसा लग रहा है कि आपका प्यार बहुत शुद्ध है और सुशुद्ध प्यार कलयुग कितना भी चढ़ जाए, जीत तो आपकी ही होगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे, रिलेशनशिप बनेगा और ये द लवर्स का कार्ड है। अगेन आपके पास वापस आएंगे आपके पार्टनर। अभी के लिए आपके पार्टनर आपको दिखा रहे हैं बाबू कि भैया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अंदर ही अंदर ये इंसान बहुत आपसे प्यार करता है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्वीन ऑफ वॉन्ड देख रहा हूँ, आपसे प्रभावित है ये इंसान, आपके बारे में सोचते रहते हैं। एंड लवर्स का कार्ड निकल आया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं आएंगे, डेफिनेटली वो आएंगे, ठीक है। आपका रिलेशनशिप बनते हुए नजर आ रहा है। अभी के लिए आपको गाइडेंस क्या मिल रहा है इन रिलेशनशिप और आपको लेकर, चलिए जान लेते हैं कि ईश्वर आपको क्या गाइड कर रहे हैं। भाई मैं तो महादेव का भक्त हूँ, लेकिन आप जिसके भी भक्त हो उनके बारे में सोचिए। हम देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस आपको दे रहे हैं भगवान। ओके, अभी के लिए क्या गाइडेंस आपको, कैसे चलना चाहिए अपने रिलेशनशिप में। बहुत अच्छी बात है, खुद की सेल्फ पर ध्यान दीजिए, खुद की हीलिंग कीजिए, दूसरों की मदद कीजिए और बड़े प्यार से रहिए, ठीक है। कोई ना कप्स का कार्ड यहाँ पर निकल के आया है, खुद की खूबसूरती, खुद के हेल्थ वेल्थ पर ध्यान दीजिए और बहुत ज़्यादा अगर आपने कोई गलती भी की हो तो उसके बारे में सोचिए, पश्चाताप कीजिए, भगवान से सॉरी बोलिए। एंड ऐसा नहीं है कि देखो गलती दोनों तरफ से होती है, एक तरफ से नहीं होती। पार्टनर अगर गुस्सा है तो आप पे भी उसकी कोई ना कोई, आपकी भी मजबूरी होगी, आपकी भी कोई गलती होगी, तभी तो लड़ाई झगड़ा हुआ है,
ठीक है, सो मूव ऑन की पोजीशन में हो बहुत अच्छी बात है, पर बॉटम ऑफ डेक में कुछ और ही बता रहा है कि रिलेशनशिप अगेन बनेगा। थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दो, इस वक्त अकेले रहो, मतलब अकेले इंजॉय करो अपनी जिंदगी, एंड बहुत ज़्यादा देखने बनने की जरूरत नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, बस खुद के सेल्फ पर ध्यान दो, ब्यूटीफुल बनो, दूसरों की मदद करो और खुद के यू नो जॉब पर ध्यान दो, ये बहुत बेटर होगा। ठीक है, फेमिनाइन ऊर्जा ज़्यादा दिखाई दे रही है तो लड़कियों खासतौर पर आपके लिए है, लड़के भी हो सकते हैं, नॉट जेंडर वाइज, ठीक है, बट ऐसा है। तो खुद पर ध्यान दीजिए, खुद की हीलिंग कीजिए, गॉड आपको गाइड दे रहे हैं, एंड डोंट वरी, आपका पार्टनर आपके पास वापस आएगा, डिवाइन पार्टनर हो आप दोनों, सोलमेट कनेक्शन है आप दोनों में, और जन्मों जन्मांतर से मिलते हुए नजर आ रहे हो, सो इस जन्म में भी कहां पीछे हटोगे। सो दैट्स व्हाई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू सो मच हर हर महादेव। अगली वीडियो में मिलते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, ठीक है, नंबर आपके ऊपर दिखाई दे रहा है। बाय।